गुड मॉर्निंग स्टूडेंट. टुडे आई विल स्टार्ट अ न्यू टॉपिक डेट इज इंडस्ट्रियल सेक्टर. इन दिस टॉपिक वी विल स्टडी द व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस और बिफोर इंडिपेंडेंस. ओके, एक्चुअली ब्रिटिश गवर्नमेंट डिस्ट्रॉय इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज. ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टार्टेड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द कंट्री. ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टार्टेड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया इन टू वेज. द फर्स्ट वे इज दैट ब्रिटिश गवर्नमेंट परचेज रॉ मटेरियल एट ए वेरी लो प्राइस फ्रॉम इंडिया. And the second way is British government sell British manufactured goods in India at a very high price. It is known as double exploitation. Okay, इसका मतलब ये हुआ कि इंडिपेंडेंस के से पहले जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया के को डबल एक्सप्लाइट कर रही थी. एक्चुअली ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सबसे पहले ये किया था कि इंडिया की जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री वर्ल्ड फेमस थी. इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का जो प्रोडक्ट था उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी और इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का जो गुड्स था वो अदर कंट्री को एक्सपोर्ट किया जाता था और इंडिया की हैंडीक्राफ्ट जो इंडस्ट्री थी वो वर्ल्ड फेमस थी. तो सबसे पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय किया और इंडिया को एक तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डबल एक्सप्लॉइट किया. अब किस तरह से इंडस्ट्रियल सेक्टर को इंडिया ने डबल एक्सप्लॉइट किया. ठीक है, आपका जो क्वेश्चन अगर आ सकता है शॉर्ट में वो ये आ सकता है कि हाउ ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सप्लॉइट इंडस्ट्रियल सेक्टर. एक्चुअली ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सप्लॉइट इंडस्ट्रियल सेक्टर इन टू वेज. द फर्स्ट वन इज ब्रिटिश गवर्नमेंट परचेज रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया एट ए वेरी लो प्राइस विच इज लेस देन द मार्केट प्राइस. आफ्टर दैट ब्रिटिश गवर्नमेंट सेल इट्स प्रोडक्ट इन इंडिया एट ए वेरी हाई प्राइस. In this way, British government exploit India in two ways. It is said to be double exploitation. जो British government है उसने industrial sector को और India को एक तरह से double exploit किया था. Double exploit इस तरह से किया था कि India में raw material बहुत ज़्यादा था, gold भी ज़्यादा था, diamond भी ज़्यादा था. India के अंदर raw material बहुत ज़्यादा था तो British government जो है वो India से raw material purchase करती थी बहुत ही low price पर. जो मार्केट प्राइस चल रहे हैं उस मार्केट प्राइस से कम प्राइस पर परचेज करती थी. अगर रॉ मटेरियल के जो मार्केट प्राइस हैं वो 100 रुपीज़ हैं तो वो 40 रुपीज़ के से परचेज करती थी और बहुत फोर्सली परचेज करती थी. तो एक एक्सप्लाइटेशन तो ये हो गया कि जो इंडिया का रॉ मटेरियल है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है बहुत ही लो प्राइस पर जो है परचेज कर रही है. एक एक्सप्लाइटेशन. दूसरा एक्सप्लाइटेशन ये हुआ कि इंडिया का रॉ मटेरियल परचेज किया लो प्राइस पर, उसके बाद इंडिया का रॉ मटेरियल वो अपनी कंट्री लेके जाती थी और जो ब्रिटिश इंडस्ट्री थी वो ब्रिटिश इंडस्ट्री इंडिया के रॉ मटेरियल से फाइनल गुड्स प्रोड्यूस करती थी और फाइनल गुड्स प्रोड्यूस करने के बाद वो फाइनल गुड्स दोबारा इंडिया लाया जाता था और इंडिया में लाने के बाद वो बहुत ही हाई प्राइस पर सेल होता था. तो इस तरह से ये सेकेंड एक्सप्लाइटेशन हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट अपना फाइनल गुड्स इंडिया में ला के सेल कर रही है बहुत ही हाई प्राइस पर. ये सेकेंड एक्सप्लाइटेशन हुआ, मतलब हम इंडिया के ही रॉ मटेरियल से गुड्स फाइनल गुड्स बनाया जा रहा है और वो फाइनल गुड्स भी इंडिया में जो है वो हाई प्राइस पर ला के सेल किया जा रहा है. तो इस तरह से इंडिया को दो तरह से एक्सप्लॉइट कर रहे थे वो, कि एक तो इंडिया का रॉ मटेरियल बहुत ही लो प्राइस पर परचेस कर रहे थे
फिर उस रॉ मटेरियल से जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट फाइनल गुड्स बनाती थी, फिनिश गुड्स बनाती थी, और वो फिनिश गुड्स फाइनल गुड्स इंडिया में बहुत ही हाई प्राइस पर सेल किया जाता था। इस दो तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सप्लॉइट कर रहे थे, इसे कहते हैं डबल एक्सप्लॉइटेशन। ओके, ये उसका फर्स्ट पॉइंट हुआ। एक्चुअली जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सबसे पहले जो है वो इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय किया था। इंडिया की जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो वर्ल्ड फेमस थी, स्पेशली कश्मीर के अंदर जो कारपेट बनाते थे तो वो कारपेट जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस थे दूसरी कंट्री के अंदर, और दूसरी कंट्री के लोग इंडिया के हैंडीक्राफ्ट के गुड्स की डिमांड बहुत ज़्यादा करते थे। तो हम इंडिया की जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो दूसरी कंट्री में अपना गुड्स एक्सपोर्ट करती थी। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सबसे पहला स्टेप यही लिया कि इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय किया जाए। अब किस तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कौन कौन से मेजर्स लिए, कौन कौन से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए ताकि इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय हो जाए, अब वो स्टेप हम आपको वन बाई वन बता रहे हैं। ओके, पहला जो स्टेप है जिसकी वजह से इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय हो गई, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लिया था, वो ये है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट किया था, टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन। अब इसका मतलब क्या हुआ, टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी चीज़ हम एक्सपोर्ट करते हैं तो उस पर टैक्स देते हैं, उसे कहते हैं एक्सपोर्ट ड्यूटी, और कोई चीज़ हम इंपोर्ट करते हैं तो उस पर भी गवर्नमेंट को टैक्स दिया जाता है, उसे कहते हैं इंपोर्ट ड्यूटी। क्लियर? तो जो फर्स्ट पॉइंट स्टेप था वो ये था, इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय करने का जो पहला स्टेप था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, वो ये था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है इंडिया से रॉ मटेरियल लेके जाती थी अपनी कंट्री। अब इंडिया रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट कर रहा था और उस एक्सपोर्ट पर जो है वो टैरिफ फ्री था, टैरिफ जो है वो जस्ट लाइक ए टैक्स होता है, ये भी जो एक्सपोर्ट पर लगाया जाता है, इंपोर्ट पर भी लगाते हैं उसको, ठीक है। तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया का रॉ मटेरियल ब्रिटेन ले जा रही थी, तो रॉ मटेरियल को इंडिया से ब्रिटेन ले जाने में जो टैक्स लगता है टैरिफ, वो उसने टैरिफ फ्री कर दिया था, टैरिफ फ्री कर दिया था। इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया का जो रॉ मटेरियल है वो इंडिया से ब्रिटेन जो जाएगा विदाउट टैक्स जाएगा, बगैर टैक्स के जाएगा, कोई टैक्स नहीं होगा उस पर। इससे फ़ायदा ब्रिटिश गवर्नमेंट को हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया का जो रॉ मटेरियल है ना, वो 100 रुपए का रॉ मटेरियल 40 का खरीद रही थी, पहली पॉइंट। फिर जो 40 का रॉ मटेरियल खरीदा, फिर वो इंडिया से जो है वो ब्रिटेन ले गई रॉ मटेरियल, और फिर और इंडिया से ब्रिटेन ले जाने में जो टैक्स लगता है टैरिफ, वो टैरिफ फ्री हो गया, इसका मतलब कोई भी टैक्स नहीं देना उस पर। तो इंडिया का रॉ मटेरियल जब इंडिया से ब्रिटेन गया तो विदाउट टैक्स गया, तो वहाँ जाकर वो सस्ता ही रहा, अगर बाय द वे टैक्स लगता तो वहाँ जाके महंगा हो जाता वो। अगर 40 रुपये का रॉ मटेरियल है 1 kg, तो अगर उस पर सपोज 20 रुपये टैक्स लगता तो वो 60 रुपये का हो जाता, लेकिन इंडिया का जो रॉ मटेरियल है वो इंडिया से ब्रिटेन गया विदाउट एनी टैक्स, विदाउट एनी टैरिफ, विदाउट एनी कोटा। तो यहाँ से ब्रिटेन गया रॉ मटेरियल विदाउट एनी टैक्स, ताकि उनको रॉ मटेरियल सस्ता पड़ जाए, इस वजह से एक पॉइंट। दूसरा स्टेप इन्होंने क्या किया कि इंडिया का रॉ मटेरियल वो इंडिया से ले गए ब्रिटेन विदाउट एनी टैक्स, यानी कि इंडिया का रॉ मटेरियल जो है वो एक्सपोर्ट हो रहा था विदाउट टैक्स, विदाउट टैरिफ। कहाँ एक्सपोर्ट हो रहा था? टैरिफ, ब्रिटेन में। उसके बाद ब्रिटेन में इंडिया के रॉ मटेरियल से गुड्स प्रोड्यूस हुआ, फाइनल गुड्स प्रोड्यूस हुआ, वो फाइनल गुड्स फिर ब्रिटेन से जो है वो इंडिया लाया गया, और वो फाइनल गुड्स ब्रिटेन से इंडिया लाने में भी टैरिफ फ्री कर दिया,
यानी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो ब्रिटेन से जो फाइनल गुड्स बना के लाएगी, इंडिया लाएगी, तो इंडिया उसको इंपोर्ट करेगा, उस पर भी टैरिफ फ्री कर दिया। सेकंड पॉइंट क्या था कि सेकंड जो इनका पॉइंट है वो है कि इसमें कि जो गुड्स है इसके अंदर जो इंपोर्ट होगा वो भी जो है वो क्या हो गया, टैरिफ फ्री इंपोर्ट ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट इनटू इंडिया। इसका मतलब ये हुआ कि जो इंडिया का फर्स्ट पॉइंट क्या था, फर्स्ट पॉइंट ये था कि इंडिया का रॉ मटेरियल ब्रिटेन ले गए विदाउट एनी टैक्स, विदाउट एनी टैरिफ। ब्रिटेन में इंडिया के रॉ मटेरियल से गुड्स, फाइनल गुड्स बनाया, फिर उस फाइनल गुड्स को ब्रिटेन से दोबारा इंडिया लेके आए विदाउट एनी टैरिफ, विदाउट एनी टैक्स। तो इस तरह से उनको वो सस्ता पड़ रहा था क्योंकि बगैर टैक्स के ला रहे थे, ले जा रहे थे, दो स्टैप हो गए। लेकिन इंडिया की जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी, वो इंडिया की जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी, वो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जब अपना सामान दूसरी कंट्री को एक्सपोर्ट करती थी तो उस पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हैवी एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी। अगर 1,000 रुपये का इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का जो गुड्स है वो 1,000 रुपये का है तो 500 रुपये एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। 1,000 प्लस 500 रुपये एक्सपोर्ट ड्यूटी, तो अब जो दूसरी कंट्री में हो वो सेल होगा वो 1,500 का सेल होगा, 500 रुपये इसमें एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी, बहुत हैवी ड्यूटी लगा दी इसके अंदर। अब इंडिया का जो सामान है, जो इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का जो गुड्स था वो दूसरी कंट्री में महंगा हो गया। क्यों महंगा हो गया? क्योंकि यहाँ 1,000 रुपये का इंडिया का हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का गुड्स था, उस पर 500 रुपये जो है वो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई गई, तो इंडिया का जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का सामान था वो वहाँ जाकर 1,500 रुपये का हो गया दूसरी कंट्री में। अब दूसरी कंट्री में इंडिया का हैंडीक्राफ्ट का सामान 1,500 का हो गया, महंगा हो गया, तो दूसरी कंट्री के लोगों ने फिर इंडिया का हैंडीक्राफ्ट का सामान खरीदना छोड़ दिया क्योंकि महंगा हो गया। इस तरह से इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का सामान दूसरी कंट्री में सेल होना बंद हो गया, एक्सपोर्ट होना बंद हो गया। एक नुकसान ये भी हुआ इसके इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को कि इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का सामान दूसरी कंट्री में आहिस्ता आहिस्ता उसकी डिमांड कम हो गई। डिमांड इसलिए कम हो गई क्योंकि इंडिया के हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के गुड्स के जो प्राइस है वो प्राइस एक्सपोर्ट ड्यूटी की वजह से इंक्रीज हुए, और प्राइस इंक्रीज होने की वजह से इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के गुड्स की जो डिमांड है वो दूसरी कंट्री में कम हो गई। डिमांड कम हो गई तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का एक्सपोर्ट कम हो गया, ये एक नुकसान हुआ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को। ओके, इसके अलावा इसमें यह था कि जो इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो ब्रिटिश इंडस्ट्री से कंपटीशन नहीं कर पा रही थी। अब कंपटीशन क्यों नहीं कर पा रही थी? क्योंकि ब्रिटिश जो इंडस्ट्री थी, ब्रिटिश इंडस्ट्री न्यू टेक्निक मॉडर्न मशीन यूज़ कर रही थी, और ब्रिटिश जो इंडस्ट्री थी उनके गुड्स की क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी न्यू टेक्निक मॉडर्न मशीन यूज़ करने की वजह से, और उनके रॉ मटेरियल उनका सस्ता था। रॉ मटेरियल सस्ता होने की वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम थी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होने की वजह से प्राइस कम थे, तो ब्रिटिश इंडस्ट्री का जो गुड्स था उसके प्राइस कम थे क्योंकि रॉ मटेरियल सस्ता था। 100 रुपये का रॉ मटेरियल ब्रिटिश गवर्नमेंट 40 का खरीद रही थी, तो रॉ मटेरियल सस्ता था। रॉ मटेरियल सस्ता होने की वजह से और टैरिफ टैक्स ना होने की वजह से, रॉ मटेरियल सस्ता होने की वजह से टैक्स ना होने की वजह से जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गई तो प्राइस कम हो गए। इस तरह से ब्रिटिश इंडस्ट्री का जो गुड्स था वो उसके प्राइस कम थे, प्राइस कम थे लेकिन क्वालिटी अच्छी थी क्योंकि वो न्यू टेक्नोलॉजी मॉडर्न मशीन यूज़ कर रहे थे। इस तरह से ब्रिटिश इंडस्ट्री का जो गुड्स है वो चीप एंड बेस्ट हो गया। चीप एंड बेस्ट इसलिए क्योंकि रॉ मटेरियल सस्ता है तो कॉस्ट कम है तो प्राइस कम है, और क्वालिटी अच्छी है न्यू टेक्नोलॉजी मॉडर्न मशीन यूज करने की वजह से, तो क्वालिटी अच्छी है तो बेस्ट हो गया, चीप एंड बेस्ट हो गया। इस तरह से इंडिया के अंदर इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का सामान सेल होना बंद हो गया। क्यों? क्योंकि इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का सामान के प्राइस ज्यादा थे और ब्रिटिश इंडस्ट्री के गुड्स के सामान के प्राइस कम थे, और इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के गुड्स की क्वालिटी थोड़ी लो थी लेकिन ब्रिटिश इंडस्ट्री के गुड्स की क्वालिटी अच्छी थी क्योंकि वो न्यू टेक्निक मॉडर्न मशीन यूज़ कर रहे थे। इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री न्यू टेक्निक मॉडर्न मशीन यूज़ नहीं कर पा रही थी क्योंकि न्यू टेक्निक को यूज़ करने के लिए जो है वो उसे परचेस करना पड़ेगा, और परचेस करने के लिए इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के पास पैसे नहीं थे।
तो इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री ओल्ड टेक्निक ओल्ड मेथड यूज कर रही थी प्रोडक्शन का, इसलिए उसकी गुड्स की क्वालिटी कम थी। तो इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री की गुड्स की क्वालिटी लो थी, ब्रिटिश की इंडस्ट्री की गुड्स की क्वालिटी अच्छी थी क्योंकि वो न्यू टेक्निक यूज कर रहे थे। इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के गुड्स के प्राइस ज़्यादा थे और ब्रिटिश इंडस्ट्री के गुड्स के प्राइस लो थे क्योंकि कॉस्ट कम थी। तो ब्रिटिश इंडस्ट्री का जो गुड्स है वो चीप एंड बेस्ट हो गया, प्राइस कम और प्लस क्वालिटी अच्छी। तो इंडिया के अंदर भी जो कस्टमर है वो चाहते थे चीप एंड बेस्ट चाहते थे, चीप एंड बेस्ट सस्ता भी हो और अच्छा भी हो। अब ब्रिटिश इंडस्ट्री का जो गुड्स है वो चीप एंड बेस्ट हो गया क्योंकि क्वालिटी अच्छी थी और प्राइस कम थे। तो इंडिया के अंदर भी ब्रिटिश इंडस्ट्री का गुड्स लोग परचेस करने लगे। इस तरह से जो इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी उसका सामान इंडिया में सेल होना बंद हो गया क्योंकि ब्रिटिश इंडस्ट्री का सामान पूरी मार्केट उसने कैप्चर कर ली। इंडिया की जो मार्केट थी उस इंडिया की मार्केट को ब्रिटिश इंडस्ट्री के गुड्स ने कैप्चर कर ली क्योंकि ब्रिटिश इंडस्ट्री का गुड्स क्वालिटी वाइज अच्छा था और प्राइस बहुत कम थे। तो अब इंडिया के अंदर भी इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का सामान सेल नहीं हो रहा, ये दूसरा नुकसान हुआ इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को कि इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का सामान इंडिया में ही सेल नहीं हो रहा और दूसरी कंट्री में भी सेल नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा दूसरी कंट्री में सेल? क्योंकि इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के गुड्स पर एक्सपोर्ट ड्यूटी ज़्यादा लगा दी जिसकी वजह से इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का गुड्स दूसरी कंट्री में महंगा हो गया, प्राइस भर गए तो डिमांड दूसरी कंट्री में कम हो गई। इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री की डिमांड कम हो गई तो एक्सपोर्ट कम हो गया। तो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का सामान सेल होना कम हो गया और इंडिया के अंदर भी इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का सामान सेल होना कम हो गया क्योंकि ब्रिटिश इंडस्ट्री का जो गुड्स थी उसकी क्वालिटी अच्छी थी और प्राइस कम थे। इस तरह से हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री आहिस्ता आहिस्ता डिस्ट्रॉय होना शुरू हो गई। इसके अंदर ये एक इसका मेन रीज़न था। एक और रीज़न था इसका कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया में रेलवे इंट्रोड्यूस की थी। रेलवे इंट्रोड्यूस होने से भी ब्रिटिश गवर्नमेंट की इंडस्ट्री को फ़ायदा हुआ। ब्रिटिश जो इंडस्ट्रीज थी वो ब्रिटिश इंडस्ट्री मालगाड़ी के ज़रिए अपना सामान इंडिया की हर सिटी में, हर टाउन में, हर विलेज में ले जाकर लो प्राइस पर सेल कर रही थी। तो इंडिया की हर मार्केट में, इंडिया की हर सिटी, हर टाउन, हर विलेज में मालगाड़ी के ज़रिए ब्रिटिश गवर्नमेंट का सामान इंडिया का में पहुँच रहा था और वहाँ सेल हो रहा था। तो जो रेलवे आल्सो प्रोवाइड द फैसिलिटी टू ट्रांसपोर्ट द गुड्स ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्री इन एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री, इन एवरी विलेज, इन एवरी सिटी, इन एवरी टाउन। तो रेलवे इंट्रोड्यूस होने से ब्रिटिश इंडस्ट्री को फ़ायदा ये हुआ कि ब्रिटिश इंडस्ट्री अपना गुड्स जो है वो रेलवे के ज़रिए जो है मालगाड़ी के ज़रिए इंडिया की हर सिटी टाउन में अपना सामान ले जा कर सेल करने लगी। आहिस्ता आहिस्ता सारी मार्केट कैप्चर कर ली ब्रिटिश इंडस्ट्री ने। एक इसको फ़ायदा ये भी हुआ था। तो ये सारे रीजंस थे जिसकी वजह से जो है इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो है वो डिस्ट्रॉय हो गई और इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का सामान इंडिया में भी सेल होना बंद हो गया आहिस्ता आहिस्ता। और लास्ट में भी इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को लॉस होने लगा और लॉस होने की वजह से इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री आहिस्ता आहिस्ता बंद होने लगी क्योंकि इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का सामान इंडिया में भी सेल होना कम हो गया, दूसरी कंट्री में भी सेल होना कम हो गया, है ना। और फिर इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री पर कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाना शुरू कर दिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। इस तरह से हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री आहिस्ता आहिस्ता इंडिया की बंद होना शुरू हो गई, इंसॉल्वेंट लॉस होने की वजह से इंसॉल्वेंट होना शुरू हो गई। एक वक्त यह आया कि काफ़ी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री इंडिया की जो है वो इंसॉल्वेंट होकर बंद हो गई। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सबसे पहले इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को इस तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। जब इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय हो गई तो इसका इंडियन इकोनॉमी पर क्या एडवर्स इफेक्ट हुआ, ये भी कभी कभी अलग से क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट आर द एडवर्स इफेक्ट ऑफ डिक्लाइन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के डिस्ट्रॉय होने से, इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के डिक्लाइन होने से इंडियन इकोनॉमी पर क्या एडवर्स इफेक्ट हुए, वो आपको बताने, ठीक है। ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है शॉर्ट में। अब हम ये देखेंगे कि इंडिया की जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जब डिस्ट्रॉय हो गई, इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री आहिस्ता आहिस्ता बंद होने लगी, इससे जो है वो इंडियन इकोनॉमी पर क्या एडवर्स अफेक्ट हुए, ठीक है।
पहला पॉइंट क्या है, जब हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बंद हो गई आहिस्ता आहिस्ता, तो जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के अंदर लोग जॉब करते थे वो अनएम्प्लॉय हो गए। जब इंडस्ट्रीज बंद होना शुरू हो जाएंगी तो उन इंडस्ट्री में जो वर्कर्स हैं वो वर्कर जो हैं वो फिर जॉबलेस हो जाएंगे। तो इस तरह से एक जो एडवर्स इफ़ेक्ट हुआ वो ये हुआ कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के बंद होने से जो लोग हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में जॉब करते थे वर्कर्स, वो वर्कर्स अनएम्प्लॉय हो गए, इंडिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो गया। ये फर्स्ट एडवर्स इफ़ेक्ट हुआ। सेकेंड एडवर्स इफ़ेक्ट ये था कि जो इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में वर्कर काम करते थे और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के बंद होने से वो वर्कर जब अनएम्प्लॉय हो गए, तो अनएम्प्लॉय होने के बाद वो विलेज में चले गए एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करने के लिए। एग्रीकल्चर सेक्टर में ऑलरेडी जो है वो ओवर बर्डन था, एग्रीकल्चर सेक्टर में जितनी वर्कर की ज़रूरत थी ऑलरेडी ज़्यादा वर्कर वहाँ काम कर रहे थे। अब क्या हुआ कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बंद होने से हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के जो वर्कर हैं वो वर्कर जो हैं वो फिर एग्रीकल्चर सेक्टर में चले गए काम करने के लिए। अब एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर और बर्डन क्या हो गया, वो इंक्रीज हो गया। जिसमें वहाँ पर डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, वहाँ पर जितने वर्कर की ज़रूरत थी उससे ज़्यादा वर्कर काम कर रहे थे, जो एक्स्ट्रा वर्कर काम कर रहे थे उसे कहते हैं सरप्लस लेबर, और वो सरप्लस लेबर कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे थे एग्रीकल्चर के अंदर, उनको निकाल दिया गया तो उसे कहते हैं डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। तो एक नया अनएम्प्लॉयमेंट और क्रिएट हो गया, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। तो सेकंड जो एडवर्स इफ़ेक्ट हुआ वो ये हुआ कि इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के डिस्ट्रॉय होने से जो वर्कर अनएम्प्लॉय हो गए, वो अनएम्प्लॉय जो होने के बाद वो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर गए काम की तलाश में, और एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर और बर्डन क्या हो गया, प्रेशर इंक्रीज हो गया। ये सेकंड पॉइंट एडवर्स इफेक्ट हुआ। थर्ड एक और एडवर्स इफेक्ट है इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के डिस्ट्रॉय होने का, एक तीसरा जो एडवर्स इफेक्ट है वो ये है, जब इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री आहिस्ता आहिस्ता डिस्ट्रॉय होना शुरू हो गई, बंद होना शुरू हो गई, इंसॉल्वेंट होना शुरू हो गई, तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का प्रोडक्शन जब बंद हो गया, जब हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री इंसॉल्वेंट हो जाएंगी, जब इंडस्ट्री बंद हो जाएंगी तो प्रोडक्शन भी बंद हो जाएगा। इस तरह से इंडिया के अंदर जो है वो कंज्यूमर गुड्स की शॉर्टेज हो गई, और जितनी कंज्यूमर गुड्स की डिमांड थी उतना लोकल प्रोड्यूसर उतना गुड्स प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे, और लोकल प्रोड्यूसर जो लोकल प्रोड्यूसर थे या ब्रिटिश इंडस्ट्री थी वो इतना गुड्स प्रोड्यूस करके मार्केट में सप्लाई नहीं कर पा रही थी जितनी गुड्स की मार्केट में डिमांड थी। अब मार्केट में, इंडियन मार्केट में गुड्स की डिमांड ज़्यादा है और गुड्स की सप्लाई जो है वो कम हो रही है, तो अब जो डिमांड ज़्यादा है उस डिमांड को पूरा करने के लिए फिर बाहर से दूसरी कंट्री से गुड्स इंपोर्ट किया गया, जिससे हमारा इंपोर्ट इंक्रीज हो गया, और जब इंपोर्ट इंक्रीज हो गया तो हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट हो गया इंपोर्ट ज़्यादा होने की वजह से। ये नेक्स्ट एडवर्स इफेक्ट हुआ कि इंडिया का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो डेफिसिट में चला गया, इंडिया का जो इंपोर्ट है वो इंक्रीज हो गया, क्योंकि इंडिया की जो मार्केट है उस इंडिया की मार्केट के अंदर जितने कंज्यूमर गुड्स की डिमांड थी उतना कंज्यूमर गुड्स लोकल प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करके सप्लाई नहीं कर पा रहे थे, ब्रिटिश इंडस्ट्री जो है वो उतना गुड्स मार्केट में सप्लाई नहीं कर पा रही थी जितनी गुड्स की डिमांड थी, तो लोगों की डिमांड को पूरा करने के लिए इम्पोर्ट करना पड़ा, और उस इम्पोर्ट की वजह से हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में चला गया। एक एडवर्स इफेक्ट ये भी हुआ इसका। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ये एडवर्स इफेक्ट थे जो इंडिया की इकोनॉमी पर हुए थे इनकी वजह से। इंडिया के अंदर अगर हम देखा जाए तो जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी, जैसे मैंने अभी इससे पहले बताया था कि इंडिया की जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो 18 सेंचुरी के अंदर बहुत वेल डेवलप थी, क्योंकि इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का जो सामान था वो उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, जिसकी वजह से वो दूसरी कंट्री में फेमस थी इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। ख़ासतौर से इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के अंदर जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का सामान बहुत क्वालिटी बहुत अच्छी थी, जिसकी वजह से इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो दूसरी कंट्री में 18 सेंचुरी के अंदर बहुत फेमस थी। ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अलावा अगर देखा जाए तो आयरन इंडस्ट्री, लाइम इंडस्ट्री, यूटेंसिल,
कॉपर टिन इंडस्ट्री, ये भी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के अंदर आती हैं, ये भी बहुत फेमस थी 18th century के अंदर, और ये भी अपना सामान एक्सपोर्ट करती थी। लेकिन सारी इंडस्ट्री को ये सारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री हैं, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, आयरन इंडस्ट्री, लाइम इंडस्ट्री, यूटेंसिल इंडस्ट्री, कॉपर टिन इंडस्ट्री, ये सारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री हैं जो कभी 18th सेंचुरी में बहुत वर्ल्ड फेमस हुआ करती थी। लेकिन इन सारी इंडस्ट्री को आहिस्ता आहिस्ता ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया और ये इंसॉल्वेंट होना शुरू हो गई। ओके एक अब इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है, टॉपिक है, वो ये है क्या इंडिया के अंदर जो ये था हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय हो गई, क्या इंडिया के अंदर कोई और नई इंडस्ट्री सेटअप हुई या नहीं हुई? क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया के अंदर न्यू इंडस्ट्री सेटअप की या नहीं की, या फिर क्या इंडियंस ने हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के बंद होने के बाद कोई न्यू इंडस्ट्री इंडिया में सेटअप की या फिर नहीं की? ओके, तो इंडिया का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसका ग्रोथ रेट कैसा था? ओके, तो ये इस टॉपिक में पढ़ेंगे आप कि स्लो ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज, स्लो ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज। एक्चुअली इंडिया के अंदर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बंद होने के बाद कुछ इंडस्ट्री सेटअप हुई थी, जैसे कॉटन टेक्सटाइल मिल, ये इंडियन ने इस्टेब्लिश की थी महाराष्ट्र के अंदर और गुजरात में। ओके, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश बाय द इंडियन इन महाराष्ट्र एंड गुजरात। जूट मिल वॉज इस्टेब्लिश बाय द ब्रिटिश कैपिटलिस्ट इन बंगाल। बंगाल के अंदर ब्रिटिश कैपिटलिस्ट ने जूट मिल इस्टेब्लिश की थी। तो ब्रिटिश जो कैपिटलिस्ट थे, जो बिजनेसमैन थे, तो ब्रिटिश बिजनेसमैन ने, ब्रिटिश कैपिटलिस्ट ने जूट की मिल जो है वो बंगाल के अंदर इस्टेब्लिश की थी। और इंडियन ने कॉटन टेक्सटाइल की मिल जो है वो महाराष्ट्र और गुजरात में इस्टेब्लिश की थी। एक सबसे बड़ा अचीवमेंट जो इसमें माना जाता है उस पीरियड में, वो ये था कि इंडिया में टाटा स्टील इंडस्ट्री का रजिस्ट्रेशन हुआ अगस्त 1907 में। ये एक अचीवमेंट माना जाता है कि टाटा स्टील इंडस्ट्री का रजिस्ट्रेशन हुआ अगस्त 1907 में। और टाटा स्टील इंडस्ट्री का जो फर्स्ट प्लांट है वो 2012 में कंप्लीट बन के तैयार हो गया, और 2012 के अंदर फिर उसका प्रोडक्शन भी टाटा स्टील इंडस्ट्री का स्टार्ट हो गया। और टाटा स्टील इंडस्ट्री का जो फर्स्ट प्लांट है वो जो है वो जमशेदपुर में इस्टेब्लिश हुआ था। आजकल जमशेदपुर जो है वो झारखंड के अंदर है। तो एक अचीवमेंट थोड़ा सा हम ये भी कह सकते हैं कि टाटा स्टील इंडस्ट्री जो है वो 1907 में रजिस्टर्ड हुई थी और 1912 में उसका फर्स्ट प्लांट जमशेदपुर के अंदर यानी झारखंड में इस्टेब्लिश हुआ था। इसके अलावा शुगर इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, ये भी जो हैं वो इस्टेब्लिश हुई थी। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एज सच इंडिया की जो कैपिटल गुड्स की इंडस्ट्री है, उस कैपिटल गुड्स की इंडस्ट्री को प्रमोट करने में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोई अटेंशन पे नहीं की। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री किसे कहते हैं? कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो मशीन बनाती है, टूल्स बनाती है, उस मशीन से, टूल से जो है फिर कंज्यूमर गुड्स बाद में प्रोड्यूस किए जाते हैं। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री आर दोज इंडस्ट्रीज विच मैन्युफैक्चर द कैपिटल गुड्स लाइक मशीन, लाइक टेक्नोलॉजी, लाइक टूल्स, लाइक इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा।
तो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री के प्रमोशन में, उनके डेवलपमेंट में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किसी किस्म का कोई अटेंशन पे नहीं की। जब एक कंट्री के अंदर कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री नहीं होंगी, यानी एक कंट्री के अंदर मशीन बनाने की इंडस्ट्री नहीं होंगी, तो जब मशीन नहीं बनेंगी तो मशीन से जो है फिर कंज्यूमर गुड्स भी नहीं बनेगा फिर। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि हम कंज्यूमर गुड्स जैसे कि पेन है, जैसे कि कंज्यूमर गुड्स जैकेट है, कंज्यूमर गुड्स को बनाने के लिए हमें मशीन चाहिए और मशीन को बनाने के लिए कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री चाहिए। जब कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री नहीं होंगी तो मशीन नहीं बनेंगी, और जब मशीन नहीं होंगी तो हम कंज्यूमर गुड्स नहीं बना पाएंगे। तो ये जो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री है, ये बेसिक इंडस्ट्री है, इसको हम हैवी और बेसिक इंडस्ट्री भी बोलते हैं। हैवी इंडस्ट्री इसलिए बोलते हैं क्योंकि कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री को सेटअप करने में करोड़ों रुपए चाहिए, करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है, इसलिए इसको हैवी इन्वेस्टमेंट होता है। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करने में हैवी इन्वेस्टमेंट होता है, 150-200 करोड़ रुपए इन्वेस्ट होते हैं, इसलिए इसको कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री को हैवी इंडस्ट्री कहते हैं। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री को बेसिक इंडस्ट्री इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बेसिक पॉइंट है। वो क्या है कि पहले आप कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री के अंदर मशीन बनाओगे, टेक्नोलॉजी बनाओगे, फिर उस मशीन से कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करोगे। जब कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री नहीं होंगी तो मशीन नहीं बनेगी, मशीन नहीं होंगी तो फिर कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस नहीं होगा। तो इसलिए जो कंज्यूमर गुड्स के लिए मशीन चाहिए और मशीन बनाने के लिए कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री चाहिए, इसलिए कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री को बेसिक इंडस्ट्री भी कहा जाता है। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री के प्रमोशन में, डेवलपमेंट में कोई ध्यान नहीं दिया इस पर। ओके, अब इसमें यह है कि इंडिया की जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था, उस इंडस्ट्रियल सेक्टर के दो मेन ड्रॉबैक हैं। इंडिया का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था इंडिपेंडेंस के वक्त, उसके दो मेन ड्रॉबैक हैं। पहला जो ड्रॉबैक है वो ये है कि इंडिया का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था, उस इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो ग्रोथ रेट था वो बहुत ज़्यादा स्लो था, क्योंकि बहुत कम इंडस्ट्री थी, है ना, जूट इंडस्ट्री थी, कॉटन इंडस्ट्री, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर पेपर इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री सेटअप हुई, यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत कम था। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो ग्रोथ रेट था इंडिपेंडेंस के बाद, इंडिपेंडेंस के वक्त, बहुत ही स्लो था, और इंडस्ट्रियल सेक्टर का जीडीपी के अंदर भी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा स्लो था। तो फर्स्ट इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो ड्रॉबैक है वो ये है कि द ग्रोथ रेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर वाज वेरी लो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर कंट्रीब्यूट वेरी लो इन द जीडीपी ऑफ द कंट्री। कंट्री के जीडीपी के अंदर भी इंडस्ट्रियल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन काफ़ी लो था, और ग्रोथ रेट भी बहुत इंडस्ट्रियल सेक्टर का कम था। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर लाइक रेलवे, पावर जनरेशन, कम्युनिकेशन एक्सेट्रा। इसका मतलब ये हुआ कि जो पब्लिक सेक्टर है, गवर्नमेंट का सेक्टर है, गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ कुछ इंडस्ट्री के अंदर लिमिटेड थी, गवर्नमेंट के हाथ में सिर्फ कुछ ही इंडस्ट्री थी, गवर्नमेंट का इंडस्ट्री का जो एरिया था वो लिमिटेड था, गवर्नमेंट के हाथ में सिर्फ कुछ ही इंडस्ट्री थी, जैसे रेलवे, पावर जनरेशन, कम्युनिकेशन, ये कुछ ही इंडस्ट्री थी जो गवर्नमेंट के हाथ में थी, बाकी फिर प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर रखी थी। तो पब्लिक सेक्टर का जो एरिया ऑफ ऑपरेशन था वो बहुत लिमिटेड था इसके अंदर। तो ये दो डीमेरिट हैं एक तरह से, इंडस्ट्रियल सेक्टर की जो दो डीमेरिट हैं इंडिपेंडेंस के वक्त इंडस्ट्रियल सेक्टर की, जो दो डीमेरिट हैं वो ये हैं कि पहले तो ये इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो ग्रोथ रेट था वो बहुत कम था, और इंडस्ट्रियल सेक्टर जीडीपी के अंदर बहुत कम कंट्रीब्यूट कर रहा था, और दूसरा इंडस्ट्रियल जो पब्लिक सेक्टर का जो एरिया ऑफ ऑपरेशन था वो लिमिटेड था, मतलब पब्लिक सेक्टर सिर्फ कुछ ही इंडस्ट्री के अंदर जो है वो ऑपरेट कर
रहा था, काम कर रहा था, जैसे कि पावर जनरेशन है, रेलवे है, कम्युनिकेशन है, बस इसी कुछ में वो काम कर रहा था और प्राइवेट सेक्टर आहिस्ता आहिस्ता इन्वॉल्व हो रहा था। ठीक है, तो ये इंडस्ट्रियल जो सेक्टर है, ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया कि इंडिपेंडेंस के वक्त इंडस्ट्रियल सेक्टर की, इंडिपेंडेंस के वक्त इंडिया के जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसकी क्या कंडीशन थी। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया। थैंक यू।